हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं 11 से लेकर के 30 जनवरी तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। पिछला जो हमारा करंट अफेयर है 11 से 20 जनवरी कुछ कारणों से नहीं आ पाया, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उसे भी मर्ज करते हुए 11 से 30 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारा सीजीपीएससी ई पाठशाला है वो एक ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस यानी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा है दुर्ग भिलाई में। तो ये ओपन हो जाएगा आपके फरवरी एंड वीक तक, फरवरी के अंतिम सप्ताह तक हम इसे ओपन कर देंगे। अभी कुछ इंस्टीट्यूट में कुछ काम अभी बाकी है, जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएगा तो डेट भी आपको बता दिया जाएगा और उसका लोकेशन भी आप लोग के साथ एक वीडियो बना करके पर्टिकुलर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान। चर्चित स्थानों में पहले नंबर पर है आपके पार्श्वनाथ प्रतिमा, जो आपके जैन तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है आपके पिथौरा महासमुंद, महासमुंद जिले के पिथौरा से एक आपके पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पार्श्वनाथ कौन है? ये है आपके 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में टोटल आपके 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें 23वें नंबर के तीर्थंकर है आपके पार्श्वनाथ स्वामी। देखिए, ये जो है ये आपकी लगभग 1100 साल पुरानी ये प्रतिमा है। एक्चुअली में ये जो आपके पिथौरा के जंगलों में ये जो प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये आपके छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये किसी दक्षिण भारत से, जैसे आपके आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से कुछ चोर इसे चोरी करके ला करके यहाँ पे छोड़ करके चले गए या क्या हुआ उसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये प्रतिमा हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नहीं है। इसे दक्षिण भारत के किसी शहर से होने की बात कही जा रही है। लगभग 1100 साल पुरानी यह प्रतिमा है, जो कि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। देखिए, ये पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, ये अनुमान कैसे लगाया गया? एक्चुअली में जो प्रतिमा प्राप्त हुई है, इसका जो ये प्रतिमा का जो शरीर का जो रंग है वो नीले कलर का है और इसमें जो चिन्ह है वो सर्प चिन्ह है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो जैन तीर्थंकर हुए, सभी तीर्थंकर का एक अपना प्रतीक चिन्ह होता था। ठीक, तो जो आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, शरीर का रंग है नीला। जो प्रतिमा प्राप्त हुई, प्रतिमा के ऊपर पांच सांप भी उस प्रतिमा के साथ है, तो इसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये कहां प्राप्त हुआ है? ये पिथौरा के जंगलों में, महासमुंद। नेक्स्ट देखिए, सूर्यपुत्र रेवंत का मंदिर, सूर्यपुत्र रेवंत। देखिए, आप सभी को मालूम है कि जो आपके सूर्य भगवान सूर्य की जो मंदिर है वो आपको जगह जगह कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, लेकिन जो उनके पुत्र है रेवंत, उनका जो मंदिर है वो बहुत कम ही स्थानों पर, स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ के आपके जो सरगुजा जिला है, सरगुजा जिला के डीपाडीह एक पुरातात्विक स्थल है। सरगुजा जिला के डीपाडीह के अंतर्गत एक टीला है बोरजा टीला के नीचे आपका ये सूर्यपुत्र रेवंत का मंदिर है। देखिए, ये कोई नया आपका इसका खोज नहीं हुआ है या उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है, काफी पुराना है। एक्चुअली में मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य देव की पूजा की जाती है, तो एक न्यूज आर्टिकल आया था। ठीक, तो उसी के आधार पर आपको ये इसे हम करंट अफेयर में कवर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो हमारे प्रदेश में सूर्यपुत्र रेवंत का मंदिर कहाँ है, ये है आपका बोरजा टीला, सरगुजा जिले डीपाडीह के अंतर्गत है। देखिए, ये जो रेवंत का मंदिर है, ये रेवंत का मंदिर जो है ये आपकी 11वीं शताब्दी में, देखिए इसको जो कॉन्सेप्ट हम थोड़े छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडी से लेते हुए चल रहे हैं, एक्चुअली में समझिएगा, ये जो हम सूर्यपुत्र मतलब सौर्य संप्रदाय, यानी जो सूर्य भगवान के जो उपासक है, तो हमारे प्रदेश में 11वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में मतलब ये सरगुजा वाले क्षेत्र में सौर्य संप्रदाय का आपका प्रभाव था। साथ ही साथ इसी 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास हमारे प्रदेश में है वंशीय शासकों यानी कलचुरी शासकों का भी प्रभाव था। ठीक, तो इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो रेवंत का मंदिर है, रेवंत का मंदिर आपका कलचुरी कालीन 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास का रहा होगा। ठीक, देखिए, रतनपुर शिलालेख जो कि आपका 1158 ईस्वी के आसपास का है, यह शिलालेख आपके जो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय का यह आपका शिलालेख है। रतनपुर शिलालेख जिसमें पृथ्वीदेव द्वितीय की लगभग 28 पंक्तियों वाला यह एक शिलालेख है, जिसमें यह उल्लेखित है कि ये जो कलचुरी शासकों के जो सामंत थे वल्लभराज ने आपके विकर्णपुर में
वल्लभ राज ने आपके विकर्णपुर में कुछ मंदिर मठ तथा सूर्य मंदिरों का निर्माण किया था। देखिए ये जो विकर्णपुर है, ये विकर्णपुर आपके वर्तमान का कोटगढ़ है, वर्तमान का कोटगढ़ जो कि आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत अकलतरा के अंतर्गत आता है। ठीक, तो देखिए तो ये जो कोटगढ़ है यहाँ वर्तमान में आज भी किले मौजूद है, आज भी द्वार मौजूद है, लेकिन यहाँ पे वर्तमान में सूर्य मंदिर मौजूद नहीं है। देखिए रतनपुर शिलालेख में उल्लेखित जरूर है कि जो कलचुरी शासकों के जो सामंत थे आपके वल्लभराज, उन्होंने मंदिर मठ तथा सूर्य मंदिर तथा रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन वर्तमान में आपके वहां पर इस ये विकर्णपुर में बोलिए या कोटगढ़ में बोलिए यहां पे कोई भी आपका सूर्य मंदिर मौजूद नहीं है। लेकिन यदि पूछा जाए हमारे प्रदेश में ये आपके सौर्य संप्रदाय का प्रभाव किस समय था, तो ये कलचुरी कालीन था। सूर्य मंदिर का निर्माण किस समय किया गया, तो कलचुरी कालीन शासकों के समय किया गया। ठीक, देखिए अगर हम बात करें आपका ये सूर्य मंदिर की, तो ये सूर्य मंदिर हमारे प्रदेश में दो तीन सूर्य मंदिर आपके फेमस है। एक है आपका अदिति मंदिर जो कि नारायणपुर जिला में है, दूसरा है आपका देव टिकरा और देवगढ़ जो कि आपके सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है। देखिए सूर्य मंदिर हमारे प्रदेश में बहुत से जगहों पे आपके सूर्य मंदिर मिले हैं, बहुत जगह आपके सूर्य भगवान की प्रतिमाएं मिली है, जहाँ पे आपके चक्र के आधार पर वहाँ पे उनके रथ, उनके सारथी, घोड़े के आधार पर अनुमान लगाया गया कि वो आपका सूर्य भगवान की प्रतिमाएं हैं या सूर्य भगवान का मंदिर है। लेकिन एक विशिष्ट रूप का एक मंदिर मिला है जो कि सूर्य पुत्र रेवंत का मंदिर है। ये कहाँ पर है, ये है आपका बोरजा टीला डीपाडीही सरगुजा जिला के अंतर्गत। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दर्रे कसा की गुफा ये मौजूद है आपके राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा से सटे हुए क्षेत्र में है आपका यह दर्रे कसा जो कि राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। हाजरा फॉल के समीप स्थित है ये आपकी दर्रे कसा की गुफा जिसे हाल फिलहाल में देखिए ये भी न्यूज़ का विषय था, ये कोई खोज नहीं है। एक्चुअली में अभी आप सभी को मालूम है कि जो आपका युवा महोत्सव मनाया गया स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर, तो ये एक आर्टिकल आया था जिसमें देखिए जो 14 वर्षीय नरेंद्र ने यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रारंभिक स्तर पर उन्हें आध्यात्म ज्ञान का प्राप्त हुआ, नरेंद्र जो कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम है। घटनाक्रम लगभग 1877 के आसपास का यह घटनाक्रम है। देखिए एक बुक है जिसका नाम समझिएगा जर्नी ऑफ स्वामी विवेकानंद टू रायपुर एंड हिज फर्स्ट ट्रांस, जर्नी ऑफ स्वामी विवेकानंद टू रायपुर एंड हिज फर्स्ट ट्रांस, ये बुक है आपका देवाशीष चित्रंजन राय द्वारा लिखित बुक में यह उल्लेखित है कि जो आपके स्वामी विवेकानंद है या फिर जो आपके नरेंद्र है वे नागपुर से रायपुर जाने के समय बीच में पड़ने वाले इस दर्रे कसा ग्राम में या इस दर्रे कसा की गुफा में उन्होंने आपका ध्यान लगाया था। ठीक, आप सभी को मालूम होगा कि जो आपके स्वामी विवेकानंद है वो 2 वर्ष रायपुर में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। ठीक, ये जो दर्रे कसा की गुफा है, तो जो आपके रामकृष्ण मिशन के जो अनुयायी है या स्वामी विवेकानंद जी के जो अनुयायी है वे इस पहली आध्यात्मिक अनुभूति स्वामी विवेकानंद जी की इस पहली आध्यात्मिक अनुभूति को उन्होंने नाम दिया है प्रथम भाव समाधि स्थल। स्वामी विवेकानंद जी का प्रथम भाव समाधि स्थल कहां पर है पूछा जाए, तो यह है आपके दर्रे कसा की गुफा राजनांदगांव। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति भवन जो कि मौजूद है आपके पंडो नगर जिला सूरजपुर। देखिए जो आपके भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो क्रांतिकारी घटनाक्रम के समय, देखिए हमारे जो भारत में आपकी भारत की आज़ादी के लिए बहुत से आपके क्रांतिकारी घटनाक्रम या आंदोलन हुए, तो उसी दौर के समय एक समय ऐसा आया था जब आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे किसी क्रांतिकारी घटनाक्रम के कारण या किसी क्रांतिकारी घटनाक्रम से संबंधित ये जो आपके सरगुजा क्षेत्र है, देखिए वर्तमान में तो ये सूरजपुर जिला बन चुका है लेकिन ये उस समय का था आपका सरगुजा जिला। ठीक, तो उस सरगुजा के इस क्षेत्र में आकर के उन्होंने शरण लिया था, अपना वेश बदल करके वे इस पंडो नगर के एक जगह पर वे अपना कुछ समय व्यतीत किए थे। तो इस पंडो नगर में ही जहां पर वे रुके थे उसे अब बना दिया गया था, मतलब बना दिया गया राष्ट्रपति भवन, काफी पुराना है लेकिन अभी 26 जनवरी को आपके गणतंत्र दिवस के अवसर
अवसर पर यह भी न्यूज में आया था कि जो राष्ट्रपति भवन पंडो नगर जिला आपका सूरजपुर में है, तो देखिए चूंकि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस स्थान पर आकर शरण लिया था, इसी कारण से उन्होंने आपके यहाँ के आदिवासियों की उन्होंने दशा देखी थी, उनकी पिछड़ापन देखा था, जिस कारण से उन्होंने जब वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने तो उसके पश्चात 22 नवंबर 1952 इस डेट में उन्होंने पंडो और कोरवा इन दो जाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र घोषित किया। पंडो और कोरवा को, इन दो जातियों को, इन दो जनजातियों को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र घोषित किया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कांड विवाह या तीर विवाह, कांड विवाह या तीर विवाह, ये जो कांड विवाह या तीर विवाह है इसका प्रचलन है आपकी भुजिया जनजाति में। भुजिया जनजाति जो कि गरियाबंद जिले, स्पेशली इस गरियाबंद जिले के अंतर्गत निवास करने वाली भुजिया जनजाति, जिसमें आपका कांड विवाह या तीर विवाह का प्रचलन है। देखिए ये कांड विवाह या तीर विवाह है क्या, 5 से 9 साल तक की बच्चियों की शादी तीर से, जो देखिए ये जो आपकी भुजिया जनजाति है इसमें तीर का विशेष महत्व है, लेकिन वर्तमान के समय में देखिए जो इनकी जो प्राचीन परंपरा चलती आ रही है, जो पूर्वजों के समय से जो परंपरा चलती आ रही है, उसमें ऐसा है कि बच्चियों की जो शादी है, जो छोटे छोटे जो बालिकाओं की शादी है, वो आपके 5 से 9 साल तक की आयु में करा देना आवश्यक है, ये इनकी पूर्वजों की परंपरा है। लेकिन आप सभी को मालूम है कि जो हमारी केंद्र सरकार हो गई या जो भारत सरकार है वो आपकी बाल विवाह को प्रतिबंधित करते आ रही है। ठीक, तो वे अपने परंपरा को संजोए रखने के लिए, अपनी पूर्वजों की इस परंपरा को संजोए रखने के लिए तथा इस रूढ़िवादी जो विचारधारा है बाल विवाह, उसे पूरी तरह से उसे प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से देखिए इन्होंने अपनी इन बालिकाओं का विवाह तीर से करने का निर्णय लिया या एक नई प्रथा उन्होंने प्रारंभ करी। देखिए ये जो विवाह है, ये बालिकाओं का विवाह इसमें तीर से कर दिया जाता है। ठीक, देखिए ये 2 दिवसीय विवाह होता है। इस विवाह के अवसर पर जो महिलाएं हैं वो एक भुंजिया गीत गाती है, जनजाति से संबंधित गीत है, भुंजिया गीत गाती है। किसमें गाया जाता है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है, यह एक हास्य गीत होता है, जिसमें क्या होता है कि जो आपका तीर है, तीर और उस कुंवारी कन्या का जैसे अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं, तो जो आपके कुवारी कन्याओं का या 5 से 9 साल तक की कन्याओं का जो इस तीर के साथ विवाह किया जाता है, तो उस आग को कहा जाता है कुवारी आग। देखिए लड़कियों का दो बार उनका विवाह होता है, एक जो तीर के साथ हो रहा है उसे कुवारी आग कहा जाता है, फिर 18 साल की आयु पूर्ण होने के बाद फिर जिस अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं जब पुरुष के साथ उसकी शादी होती है, तब उस आग को कहा जाता है विवाहित आग। ठीक, तो कुवारी आग को साक्ष्य मानकर इनकी शादी कराई जाती है। साथ ही साथ जो आपके जो तीर है और लड़की है, वो दोनों को खजूर या छिंद के पेड़ के सेहरे के साथ उनकी शादी की जाती है, जैसे एक तरीके का दूल्हे का मुकुट बनाया जाता है, तो इसमें तीर और कन्या दोनों को आपके छिंद या आपके खजूर के पेड़ के जो आपका सहरे बना करके इनका विवाह किया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कांड विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है, भुजिया जनजाति में। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का पहला धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया है आपके जशपुर नगर को। जशपुर नगर को प्रदेश का पहला धूम्रपान मुक्त शहर यानी स्मोक फ्री आपका सिटी घोषित किया गया है आपके जशपुर नगर को। देखिए ये जो आपका ये घोषित किया गया है आपके 26 जनवरी के अवसर पर, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4 का इस नगर में 82.33% क्रियान्वयन हुआ, 82.33%। इस जशपुर नगर में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4 का 82.33% क्रियान्वयन हुआ। ये धारा 4 क्या है, धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। तो इस आपकी धारा 4 का यहाँ पे लगभग 82% के आसपास यहाँ पे क्रियान्वयन हुआ, जिसके पश्चात इस 26 जनवरी के अवसर पर ये जो आपका जशपुर नगर है इसे प्रदेश का पहला धूम्रपान मुक्त शहर घोषित कर दिया गया। मोती की खेती, हमारे प्रदेश में जो आपका बस्तर है, बस्तर में मोती की खेती की जा रही है। यहाँ पे एक्चुअली सीपों का पालन किया जा रहा है। इस सीपों को देखिए, इन सीपों की सर्जरी करके सीपों में रेत के कण डाल दिए जाते हैं। एक्चुअली जो क्या है, सीप जो कि समुद्र में रहते हैं, जो कि रेत के कणों को से आपके मोती का निर्माण करते हैं, मोती जिसका उपयोग आभूषणों में होता है। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, अब आर्टिफिशियली तरीके से इस सीपों को बस्तर के एरिया में ला करके इनका पालन किया जा रहा है तथा सर्जरी
नदी के माध्यम से सीपों में रेत के कण कण डाले जा रहे हैं। इस रेत के कण से मूर्ति के निर्माण में लगभग 20 माह का समय लगता है। ठीक, यहाँ से स्थानीय आदिवासियों को एक स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। लगभग 15,000 की लागत से यह सीपों का पालन किया जा रहा है और लगभग 2,00,000 रुपये तक का इनकम सालाना आदिवासियों को इसके माध्यम से मिल रहा है। ठीक, तो देखिए सीपों की खेती कहाँ की जा रही है या सीपों का पालन कहाँ किया जा रहा है, बस्तर में, जहाँ पे सीपों के माध्यम से आपके मोती का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए एलपीजी गैस पाइपलाइन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे आप नलों के माध्यम से हर घर में, जैसे सरकार क्या करती है, पूरे शहर भर में नलों के पाइप कनेक्शन बिछे हुए, हर घर में पाइप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जाती है, उसी के तर्ज में है आपका एलपीजी गैस पाइपलाइन योजना। इसके अंतर्गत क्या है, पाइपों के माध्यम से प्रत्येक घरों में एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। एलपीजी कनेक्शन पाइपों के माध्यम से दिए जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में हम गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो गैस सिलेंडर ना होकर के पाइपों के माध्यम से वहाँ पे आपकी गैस की, एलपीजी गैस की आपूर्ति की जाएगी, तथा मीटर के आधार पर जैसे आप बिजली बिल का जो भुगतान आप मीटर के आधार पर, रीडिंग के आधार पर करते हैं, वैसे ही इसमें मीटर के आधार पर उस एलपीजी गैस जितना आप उपयोग करेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा, मीटर के आधार पर आप इसे पे करेंगे। ठीक, तो इसके प्रथम चरण में इस एलपीजी पाइपलाइन योजना के अंतर्गत ये जो पाइपलाइन है आपके बिलासपुर और कोरबा, इन दो जिलों में प्रथम चरण में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसे हम पहले देख चुके हैं, जो कि रायगढ़ जिला से इसे प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ में अब एक और जिला इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शामिल है। एक है आपका रायगढ़, जो कि पहले शामिल था, दूसरा है आपका बीजापुर। इन दो जिलों में जो लड़कियों हैं उनकी लिंगानुपात में सुधार हुआ है। जैसे यदि हम देखें रायगढ़ में जो लिंगानुपात पहले 918 था, वो बढ़ के हो गया है आपका 964, जबकि बीजापुर में जो लिंगानुपात आपका 972 था, वो बढ़ के हो गया है आपका 984। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत वर्तमान में कितने जिले को शामिल किया गया है, तो दो जिले कौन कौन से हैं, रायगढ़ और बीजापुर। नेक्स्ट देखिए मदनवाड़ा नक्सली मुठभेड़ जांच योजना। ये जो आपका मदनवाड़ा में एक नक्सली मुठभेड़ हुआ था, लगभग आपका 11 साल पुराना यह केस है। 12 जुलाई 2009 का यह घटनाक्रम है। 12 जुलाई 2009 को आपके जो वहाँ के एसपी विनोद चौबे, उन्हें यह सूचना मिली कि इस मदनवाड़ा पुलिस कैंप के बाहर वहाँ पे नक्सलियों ने हमला कर दिया है। तो उसके पश्चात ये जो आपके एसपी विनोद चौबे सहित आपके 25 जवान रवाना हुए, जहां पे बीच में ही इन्हें रोक करके इनके ऊपर नक्सलियों ने हमला कर दिया और एसपी विनोद चौबे सहित लगभग 25 जवान इस मदनवाड़ा नक्सली मुठभेड़ में आपके शहीद हो गए थे। ठीक, तो इसी, ये जो आपका मदनवाड़ा है ये मौजूद है आपके राजनांदगांव जिले में। तो इसके लिए जो जाँच समिति या जो आपका जाँच आयोग बन रहा है, वो आपके शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में यह मदनवाड़ा नक्सली मुठभेड़ जांच आयोग की गठन की गई है। देखिए ये जो आपका विनोद चौबे है, इनके नाम पर ही आपका खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है हमारे प्रदेश में, शहीद विनोद चौबे। ठीक, नेक्स्ट देखिए पद्मश्री 2020, इस साल आपके पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा आपके 25 जनवरी के आसपास की गई। तो इस पद्म पुरस्कारों में हमारे प्रदेश से आपके कला के क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के मदन सिंह चौहान, जिनका उपनाम है गुरुजी। छत्तीसगढ़ के मदन सिंह चौहान को पद्मश्री 2020 कला के क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा है। यह एक संगीतज्ञ है जो कि स्पेशली आपका सूफी का गायन करते हैं, सूफी संगीत यह गाते हैं। ठीक, सूफी गायक है। तो याद रखिएगा पद्मश्री केवल एक मात्र व्यक्ति है हमारे छत्तीसगढ़ से जिन्हें कला के क्षेत्र में वर्ष 2020 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, मदन सिंह चौहान। नेक्स्ट देखिए राजीव मितान क्लब, जैसे आप सभी को मालूम है कि अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव का समापन किया गया, तथा समापन के समय यह भी घोषणा की गई कि अब हर साल युवा महोत्सव का आयोजन आपके स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर किया जाएगा। ठीक,
देखिए, तथा उसी समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यह भी घोषणा किया है कि प्रदेश भर में राजीव मितान क्लब की स्थापना की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, युवाओं में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा पूरे प्रदेश भर में इस राजीव मितान क्लब की स्थापना की जाएगी तथा इन मितान क्लबों को हर माह 10,000 रुपये का अनुदान राज्य सरकार उन्हें देगी। इन क्लबों में 10,000 रुपये का भुगतान करेगी हर माह कौन? राज्य सरकार। तो राजीव मितान क्लब, जो कि रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से इसका गठन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, रोजगार संगी ऐप इससे भी लॉन्च किया गया आपके राष्ट्रीय युवा महोत्सव के समापन के दिन। देखिए, इस ऐप को विकसित किया है, गूगल प्ले स्टोर में भी ये अवेलेबल है। रोजगार संगी ऐप जिसे विकसित किया है छत्तीसगढ़ कौशल विकास प्राधिकरण ने, इसके अंतर्गत इस रोजगार संगी ऐप के अंतर्गत जो आपके 400 से अधिक कोर्सेस में प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी होगी। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये युवाओं के लिए भी है तथा उन कंपनियों के लिए भी है जो रोजगार या जो रिक्तियां जो वैकेंसी निकालती है। वैकेंसी निकालने वाली कंपनी भी इसमें होंगे, साथ ही साथ बेरोजगार जो युवा है वो भी इसके अंतर्गत, जो रोजगार चाहते हैं वो भी इसके अंतर्गत होंगे। तो देखिए, लगभग 400 से अधिक कोर्सेस में प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी इस ऐप के अंतर्गत होगी। साथ ही साथ कोई व्यक्ति या संस्था जो आवश्यकता अनुसार अपनी रिक्तियों की जानकारी पोस्ट कर सकता है, कोई ऐसी संस्था या संगठन जहां पर वैकेंसी है, जहां पर रिक्तियां हैं, रिक्त पद खाली है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार नंबर ऑफ पोस्ट के साथ वो अपनी जानकारी इस संगवारी ऐप में फिट कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। ठीक, रोजगार कार्यालय, आप सभी को मालूम है कि जो रोजगार पंजीयन किया जाता है, हर जिलों में एक रोजगार कार्यालय है, तो रोजगार कार्यालय से रिक्त पदों से संबंधित या रिक्तियों से संबंधित एक अलर्ट इस ऐप के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। रिक्तियों से संबंधित अलर्ट यानी नोटिफिकेशन के माध्यम से उन्हें जानकारी समय समय पर प्रदान की जाएगी। ठीक, तो आपका रोजगार संगी ऐप इसे किसने विकसित किया है? छत्तीसगढ़ कौशल विकास प्राधिकरण ने। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम, अभी हाल फिलहाल में आपके असम गुवाहाटी में आपके खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक, तो इस खेलो इंडिया यूथ गेम का समापन भी हो चुका है। इसमें सर्वाधिक पदक जीतने वाला जो राज्य है वो है आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लगभग 256 के आसपास पदक जीतकर पहले स्थान पर है। सेकेंड नंबर पर है हरियाणा जिसने 200 पदक जीते। तीसरे नंबर पर है दिल्ली जिसने 122 पदक जीते। पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे नंबर पर है आपका दिल्ली। जबकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ इस खेलो इंडिया यूथ गेम की सूची में आपके 27वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ ने कुल 7 पदक इसके अंतर्गत जीते हैं। देखिए, इसमें एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है आपके शिवाक्ष साहू जो कि तैराकी से संबंधित है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम में। ठीक, इनके भाई भी है रुद्राक्ष साहू, वो भी स्विमिंग यानी तैराकी से संबंधित है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम जिसमें पहले पोजीशन पर है आपका महाराष्ट्र सर्वाधिक पदक के साथ, दूसरे नंबर पर है हरियाणा, तीसरे नंबर पर है दिल्ली, छत्तीसगढ़ है आपके 27वें नंबर पर। खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ ने 7 पदक जीते, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मक्का खरीदी पंजीकरण, अभी आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश में धान खरीदी और मक्का खरीदी दोनों किया जा रहा है। ठीक, तो मक्का खरीदी के लिए हमारे प्रदेश से जो आपके, देखिए, खरीदी से पहले जो किसानों का पंजीकरण कराया जाता है, तो ये आपके जो मक्का खरीदी के लिए पूरे प्रदेश भर में से 7,352 किसानों ने पंजीकरण करवाया। मक्का बेचने के लिए उन्होंने अपना पंजीकरण करवाया, कितना? 7,352 पूरे, देखिए, प्रदेश के कुल 21 जिले से 7,352 किसानों ने मक्का बेचने के लिए अपना पंजीकरण कराया। तो इस पंजीकरण, ये जो आपके 7,352 हैं उसमें से सर्वाधिक पंजीकरण कराया गया आपके कोंडागांव जिले से लगभग 2,385 किसानों ने मक्का बेचने के लिए पंजीकरण कराया, जबकि सबसे न्यूनतम पंजीकरण कराया गया आपके कवर्धा, बलौदाबाजार और रायपुर।
कवर्धा, बलौदा बाजार और रायपुर इन तीन जिलों में से केवल एक एक किसानों ने अपना पंजीकरण कराया। इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो वो है आपके कोंडागांव। आप देख रहे हैं कितने किसानों ने यहाँ पे पंजीकरण कराया, तो इसके आधार पर आप यह कह सकते हैं कि मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला है आपका कोंडागांव। ठीक, तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सारे के सारे हमने कवर करा दिए हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।